आज मेरे साथ चुटकी बजाते ही अपनी चार प्रॉब्लम्स को हवा में उड़ा दें, यानी कि मैं आपको देने जा रही हूं चार ऐसे स्विच वर्ड्स जो आप अपनी प्रॉब्लम्स को यूं चुटकी बजाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। यानी कि मैं आपको इतने कमाल के स्विच वर्ड्स दे रही हूं जिनको चार प्रॉब्लम्स में आप इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे विद इन 24 आवर्स बहुत इंस्टेंट आपको इन वर्ड्स के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर। आज मैं बात कर रही हूं आपके साथ स्विच वर्ड्स की। कौन कौन से चार स्विच वर्ड्स मैं आज आपको देने जा रही हूं। पहला जो स्विच वर्ड है वो है करी। करी को आप कब चैंट करेंगे? जबकि आप पेन में हो, किसी भी तरह का बॉडी में दर्द आपको हो रहा हो, सर में दर्द, पेट में दर्द, पैर में दर्द, कहीं भी दर्द हो रहा हो जिससे आप बेचैन हो और आपको कोई और सोल्यूशन जब समझ में ना आ रहा हो, इवन रेकी हीलर्स भी, आप रेकी का भी सेशन देंगे 10 मिनट तक, तब तक भी आपको बेचैनी होगी, मगर ये कमाल का स्विच वर्ड ऐसा है जिसमें कि पेन में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और इसको आप लोग अप्लाई करके जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतना जोर देकर इन वर्ड्स पे क्यों बोल रही हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये वो वर्ड्स हैं जो देंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट। तो पहला स्विच वर्ड जो आप चैंट करेंगे वो है करी। किसी भी तरह का पेन हो रहा हो, आप करी को चैंट करना शुरू कर देंगे, मन में इंटेंशन रख के। आज मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं घुटने के दर्द से राहत पाने के लिए चैंट कर रही हूं करी, ताकि मेरा दर्द तुरंत दूर हो जाए। बस इतना इंटेंशन दे दो मन में और फिर बोलना शुरू कर दें आप। स्विच वर्ड्स में ऐसा नहीं है कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा, बल्कि जितना ज्यादा आपको भरोसा होगा स्विच वर्ड पे, जितना ज्यादा विश्वास से आप मानकर उसको चैंट करेंगे कि मैं चैंट कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट आएगा, तो समझ लीजिए आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है कमाल स्विच वर्ड्स का, यानी कि आपके ब्रेन पहले तैयार हो जाए, मान ले इस बात को कि इस वर्ड की चैंटिंग से मुझे दर्द में राहत आएगा। तो आप देखिएगा किसी भी दर्द में इसको चैंट करके करी, CURRY, करी आपका स्विच वर्ड है पहला। दूसरा जो वर्ड है वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट वर्ड को आप कब चैंट कर सकते हैं? जबकि जीवन से अकेलेपन को दूर भगाना हो, यानी अकेले रहते रहते थक गए हैं, लोनलीनेस को जब दूर भगाना है, अकेलापन जब आपको खाने लगे, तो चैंट करिए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या करेगा? आपको मिला देगा उस व्यक्ति से, उन लोगों से जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको खुशियां देंगे। तो अकेलेपन को दूर करने के लिए आपका स्विच वर्ड है कॉन्टैक्ट, पहला यूज। इसका और भी यूज है। अगर मान लीजिए हो गई है आपकी खटपट, यानी कि ब्रेकअप हो गया है या आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी भी तरह आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तब भी आप चैंट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट दो लोगों को मिला देता है। तो अगर आप फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, किसी भी कारण से आपस में अलग हो गए हैं, लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी भी कारण से अगर अलग हो गए हैं, तो भी आपका वर्ड है कॉन्टैक्ट। साथ में अपने अकेलेपन को, अकेलेपन से लड़ते लड़ते हुए भी अगर थक गए हैं ना, तो जरूर चैंट कर लीजिए कॉन्टैक्ट। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आ जाएगा जिसके साथ आप भी जीवन की खुशियों को एंजॉय करने लगेंगे। तीसरा जो वर्ड है वो है ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप क्या चीज है? ड्यू ड्रॉप की आप चैंटिंग कब करेंगे? जब किसी भी तरह के निगेटिव इमोशंस को भगा देना हो, दूर भगाना हो अपने आप से, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, कोई और भी निगेटिव इमोशन हो, निगेटिव थॉट हो जो आपको परेशान कर रहा हो, तो बस मन में सोच लीजिए कि ये निगेटिव थॉट मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ये थॉट अभी के अभी मेरी लाइफ से बाहर हो जाए। बस इतना सोचिए और मन में लगातार बोलिए। कैसे बोलेंगे? ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, इस तरह से बोलना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम स्विच वर्ड्स को लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं इस चीज के लिए ये वर्ड चैंट कर रहा हूं, और लगातार बोलिए ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप आपका वर्ड है। कभी आप बहुत गुस्से में हो ना, कभी कभी गुस्से में हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है,
तो कभी आप बहुत गुस्से में हो ना, तो अपने गुस्से को तुरंत तुरंत ही कंट्रोल करना हो तो तुरंत मन में चैंट करिए कि मेरा गुस्सा अभी के अभी शांत हो जाए, मैं चैंट कर रही हूँ ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप, मेरा गुस्सा शांत हो जाए। आप देखेंगे यू चुटकी बजाते ही विद इन अ मिनट्स आपका गुस्सा शांत होने लगे। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको याद करके रखिए, कभी ऑफिस में भी ऐसी सिचुएशन बन जाए जब आपको बहुत गुस्सा आ जाए किसी चीज पे, और जहां आपने रिएक्ट किया समझ लीजिए वहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे समय पे बहुत बार हमको गुस्से को या हमको ऐसा गुस्से का घूंट भी पी लेना पड़ता है जो हमारे लिए बेहतर तो नहीं होता लेकिन परिस्थिति की मांग होता है। तो ऐसे समय पे चैंट कर लीजिए ड्यू ड्रॉप मींस मेरा गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाए। तो आप गुस्से के लिए, स्ट्रेस के लिए, डर के लिए, कभी बहुत डर लग रहा हो ना तब भी मन में यही इंटेंशन डालकर कि मेरा डर दूर भाग जाए मेरी लाइफ से, मैं चैंट कर रहा हूं ड्यू ड्रॉप, लगातार बोलिए। तो किसी भी तरह का निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट जो आपको परेशान कर रहा हो तो आपका वर्ड है ड्यू ड्रॉप, याद रखिएगा। अगला वर्ड है बाईपास। बाईपास एक ऐसा वर्ड है जो न जाने कितनी सारी सिचुएशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? हर उस परिस्थिति में जो आपने नहीं चाही थी लेकिन आ रही है लाइफ में, यानी कि अनवेलकम जो सिचुएशंस होती है, मींस मैंने तो नहीं चाहा था कि ये ऐसा हो जाए लेकिन हो रहा है। कभी भी ऐसी चीज आपकी लाइफ में हो रही हो जो आप नहीं चाहते मगर हो रहा है, तुरंत चैंट करना शुरू कर दीजिए बायपास बायपास बायपास, मींस तुरंत निकल जाए वो चीज, आपको छुए बगैर निकल जाए। कोई भी परेशानी में आप घिर गए हो, कैसी भी परेशानी, मन में तुरंत चैंट कर दीजिए बायपास बायपास बायपास। आप देखेंगे उस परेशानी का कुछ ना कुछ इंस्टेंट ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा कि वो आपको छुए बगैर ही आपकी लाइफ से दूर हो जाए। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन चैंट कर रहे हैं तब वो परेशानी आपसे दूर जाएगी और तब तक आपने 10 दिन कम से कम वो उसको झेला, आप परेशान हो गए, ऐसा नहीं है। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जब भी परेशानी आ पड़े और जिससे आप बचना चाहते हो आपको छू भी ना पाए, तो चैंट करना शुरू कर दीजिए बायपास बायपास बायपास, मुझे छूते बिना छुए हुए, मुझे छुए बगैर ही ये परेशानी दूर निकल जाए हमेशा के लिए मेरी लाइफ से। तो ये है वर्ड बाईपास। तो साथियों ये हैं चार स्विच वर्ड्स, चार सिचुएशंस के लिए जिनमें कि बहुत वाइड है, मींस मैंने तो शॉर्टकट में बताया कि आप किस किस कैसी कैसी परिस्थितियों में करेंगे, मगर कैसी भी परिस्थितियां इससे मिलती जुलती आए जो आप नहीं चाहते आप चैंट करना शुरू कर दीजिए और इनका कमाल देखिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और जिन जिन लोगों को इंस्टेंट इसमें रिजल्ट मिले जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपने ये चैंट किया और आपको क्या रिजल्ट इससे मिला। तो साथियों मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।